वेलकम टू कुक विद भूमिका। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। इस रेसिपी के लिए चाहिए रोटी के आटे के 2 पेड़े, सूखा आटा, 4 टेबलस्पून केचप, ओरेगानो स्प्रिंकल करने के लिए 4 क्यूब्स ग्रेटेड चीज़ और तलने के लिए तेल। ओरेगानो और केचप आप एडजस्ट कर सकते हैं। गैस चालू करके तवा गरम करने के लिए रखेंगे। ये देखिए तवा भी डांस कर रहा है, मतलब हम बना रहे हैं पराठा पिज़्ज़ा। अब हम जैसे पराठा बेलते हैं वैसे ही इसको धीरे धीरे बेलना है, पर ये पराठा हमें थोड़ा थिक रखना है। ये क्विक इजी एंड टेस्टी रेसिपी है, इससे आप भी खुश और बच्चे भी खुश। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए पराठे की। अभी गैस को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। अब इसको तवे पर डाल देंगे और दूसरा तब तक बेल लेंगे। इसको स्लो फ्लेम पे दोनों साइड पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसको स्लो फ्लेम पे सेक देंगे ताकि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 1 टीस्पून तेल को पराठे के ऊपर लगा के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और पराठा पलट के दूसरी तरफ भी तेल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। पराठा पिज़्ज़ा के अलावा चिली गार्लिक सूजी ढोकला भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, तो वो भी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को खिलाइए। अब आप पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए ये भाखरी सेकने वाला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप पाव भाजी का मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से ही पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। अगर आपको बच्चों के लिए कोई और रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और दूसरी तरफ भी इसको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और भी डिफरेंट रेसिपीज़ चाहिए तो आप इस चैनल के सारे वीडियो देख सकते हैं और घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, और ये जो दूसरा पराठा हमने बेल के रखा है इसको तवे पर डाल के गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। जब तक ये हमारा दूसरा पराठा स्लो फ्लेम पे सिक रहा है तब तक हम इसको पिज़्ज़ा के तरह कट कर लेंगे ऐसे, और दोनों तरफ से अच्छे से कट कर लेंगे। अब हम इसमें केचप लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आपको अगर ज़्यादा केचप पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अच्छे से इसको स्प्रेड करते रहना है। अब हम इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन कम चीज़ मत डालिए, नहीं तो ये पिज़्ज़ा के नाम पे धोखा हो जाएगा। ये मैंने प्लेन चीज़ पराठा पिज़्ज़ा बनाया है। अगर आप चाहें तो आपके मनपसंद टॉपिंग्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, जैसे कि ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, स्वीट कॉर्न, ऑलिव। लिस्ट बहुत लंबी है, कोई भी आपका फेवरेट टॉपिंग्स डाल सकते हैं। अब चीज़ को हल्के हाथों से प्रेस कीजिए, ज़्यादा प्रेस मत कीजिए, हल्के हल्के हाथों से ही प्रेस कीजिए, नहीं तो ये केचप के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर ओरेगानो स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ओरेगानो भी डाल सकते हैं। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब फाइनल फिर से एक बार जहां हमने कट लगाया है वहां फिर से कट लगाएंगे और दूसरी तरफ भी कट लगाएंगे, इससे पिज़्ज़ा के पीसेस इजीली निकल के आते हैं। हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी है। अब हम इसके ऊपर ओरेगानो स्प्रिंकल करेंगे। ये पराठा पिज़्ज़ा चीज़ लगाने के बाद कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पराठा इतना गर्म है कि चीज़ उसके ऊपर अपने आप मेल्ट होना शुरू कर देगा। ये देखिए ये चीज़ मेल्ट हो चुका है, इसका भी हो जाएगा। बच्चों का फेवरेट पराठा पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिस मत करें किसी भी रेसिपी को, घर पे ही ट्राई करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।